फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही होगा कि एमआई ने अपना एक एंड्रॉइड 1 के साथ फोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है MIA 1, जिसमें आपको एंड्रॉइड 1 का सपोर्ट मिलता है। तो हम इसका डायरेक्टली पेपर कंपैरिजन करने वाले लेनोवो का K8 नोट और मोटो के G5S प्लस से। तो पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में तीनों में ही नोगेट मिलता है आपको, बट आपको डेफिनेटली ओरियो का अपडेट जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको इस मुश्किल से 2 या 3 महीने के अंदर ही MIA 1 में। और जो लेनोवो की 8 नोट और मॉडल का मोटो G5S प्लस है उसमें कोई अपडेट मिले या ना मिले कोई कन्फर्म नहीं है। और बात करते हैं इन तीनों की कीमत की, तो तीनों की कीमत जो है वो सेम ही है। मोटोरोला का मोटो G5S प्लस मिलता है आपको 16,000 रुपये में और लेनोवो का K8 नोट मिलता है आपको 13,000 रुपये में और 14,000 रुपये में, और MI का A1 मिलता है आपको 15,000 रुपये में। यानी कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी प्राइसिंग में। और अब बात करते हैं हम इनकी रैम और स्टोरेज की। तो MIA 1 में आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB वाला स्टोरेज मिल जाएगा और लेनोवो के 8 नोट में आपको मिलता है 3 GB रैम, 32 GB स्टोरेज, 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज। और हमें जो मिलता है मोटोरोला के मोटो G5S में 4 GB रैम, 64 GB की स्टोरेज के साथ। अब बात करते हैं हम इसके कैमरे की। तो कैमरा में तो अगर कंपैरिजन किया जाए हम तीनों में, इन तीनों में तो कैमरा कंपैरिजन में लेनोवो के 8 नोट काफ़ी पीछे हो जाता है, बशर्ते है उसका एपर्चर साइज काफ़ी अच्छा है, बट उसका डुअल कैमरा होने के बाद भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। तो डायरेक्टली कंपैरिजन होता है MI के A1 और मोटोरोला के G5S प्लस में। तो बट मोटोरोला के G5S प्लस में जो एपर्चर साइज है वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू A1 में, पर जो ऑप्टिकल जूम है MI का A1 का वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है हमारे मोटोरोला के G5S प्लस से। और रही बात अब बात करते हैं हम इसके चिप की और GPU की। तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 के साथ GPU मिलता है एंड्रेनोस 506 का। ये आपको इन दोनों फ़ोन में ही मिल जाएगा MI के A1 और मोटोरोला के G5S प्लस में। बट आपको जो लेनोवो के 8 नोट में मिलता है काफ़ी पुराना प्रोसेसर, काफ़ी पुराना तो नहीं कहूँगा पर मीडियाटेक का हीलो X23 मिलता है माली के GPU के साथ। और रही बात अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, सेकेंडरी कैमरे की, तो आपको MI A1 में मिलता है 5MP का सेल्फी कैमरा और आपको लेनोवो के 8 नोट में मिलेगा आपको 13MP का कैमरा फुल HD रिकॉर्डिंग के साथ, और आप मोटोरोला G5S प्लस में मिलता है 8MP कैमरा सेल्फी कैमरा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंपैरिजन। बट आपको एक और चीज़ बता दूँ, MI के जो फ़ोन्स होते हैं उसमें हाईब्रिड स्लॉट होती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप एक साथ या तो 2 SIM रख लीजिए या एक कार्ड या एक सिम, तो आपको दोनों में एक परेशानी हो सकती है। बट आपको एक और बात बता दूँ, इन तीनों में ही फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है और यही तीनों इसी महीने आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तीनों की कीमत भी आपको बता चुका हूँ मैं। अगर आपको एंड्रॉयड 1 के बारे में और जानना है तो आप इस वीडियो के एंडिंग में जा सकते हैं। और रही बात, इसमें आपको एक और एडवांस फीचर मिलता है MI के A1 में, क्योंकि इसमें आपको मिलता है USB Type-C 1.0। और इन दोनों मोबाइल, बाकी जो दोनों मोबाइल हैं जैसे कि मोटोरोला G5S प्लस और लेनोवो का K8 नोट, इन दोनों में ही एंड्रॉयड 2.0 सिंपल USB मिलती है, C-Type नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स आपको ये कंपैरिजन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम सॉरी फ्रॉम टेक मी टेक्निकली।